देवघर के नए डीसी के रूप में विशाल सागर ने पदभार ग्रहण कर लिया। आज डीसी कार्यालय में पूर्व डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने पुष्पगुच्छ देकर नए डीसी विशाल सागर का स्वागत किया और सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पदभार दिया। नए डीसी के रूप में विशाल सागर ने आज से देवघर की कमान संभाल ली है। मौके पर पदभार ग्रहण करने के बाद विशाल सागर ने कहा कि मंदिर का पहले इन्होंने निरीक्षण किया, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और इसके बाद पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा श्रावणी मेला में काफ़ी बेहतर व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को श्रद्धालुओं के लिए और बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। वहीं पूर्व डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर बेहतर व्यवस्थाएं श्रावणी मेला के दौरान की गई हैं। सरकार ने आदेश भी दिया है कि पूरे श्रावणी मेला में नए डीसी विशाल सागर को बेहतर इनपुट देते रहेंगे और श्रावणी मेला के संचालन में सहयोग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवघर के नागरिकों का काफ़ी सहयोग मिला है और इनके लिए काफ़ी उपलब्धि भरा इनका कार्यकाल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, गृहमंत्री के आगमन की तैयारी से लेकर देवघर एम्स, देवघर एयरपोर्ट जैसी उपलब्धियों के गवाह रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। जैसा आपने बताया है कि अभी श्रावणी मेला का दौर चल रहा है इस जिला के अंतर्गत, और श्रावणी मेला जो है वो इस जिला के लिए प्रतिष्ठा है, और जिला में श्रावणी मेला का आयोजन कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, कितने अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता है, वो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सर ने अभी हमको ब्रीफ भी किया है और मैं अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मंदिर गया था और मैंने वहाँ पे देखा कि जो नए अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोगों का पूरा प्रयास यही रहेगा कि श्रावणी मेला को हम कितने अच्छे सुचारू तरीके से निकाल सकते हैं, ताकि जो भी भक्तजन हैं उनको बाबा के दर्शन करने में, बाबा पे जलार्पण करने में और इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत सुखद, आनंदमय बनाने के लिए हम लोग जिला प्रशासन की ओर से तत्पर रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ पे भक्तजन आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो बाबा के दर्शन करने के बाद, उन पे जलार्पण करने के बाद में एक सुखद अनुभव अपने साथ में लेके जाएं। सबसे पहले मैं नए उपायुक्त महोदय को शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पवित्र पावन नगरी बैद्यनाथ नगर में लगभग 2.5 साल सेवा करने के लिए मौका देने के लिए परम श्रद्धेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और अभी जो श्रावणी मेला का हम लोगों ने एक व्यवस्थित ढंग से सारा राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बनाए हुए हैं, और जो वर्तमान उपायुक्त महोदय जी भी पहले यहाँ एक श्रावणी मेला के दौरान भी रहे हैं और इधर मंदिर प्रभारी भी रहे हैं, यहाँ का सारा वस्तु स्थिति जानते हैं और यहाँ सभी सिस्टम जो है दुरुस्त चुस्त दुरुस्त है और श्रद्धालुओं को किसी तरह का भी कोई समस्या नहीं हो, विशेषकर जो सुरक्षा के मामले में और सुलभता के मामले में जलार्पण में, वो सारे चीज़ यहाँ हमारे सिस्टम में काफ़ी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव और पीपल मैनेजमेंट से, मॉनिटरिंग से हो रही है। और ये राजकीय श्रावणी मेला का जो बहुत सफलतापूर्वक होगी और जिला का प्रतिष्ठा, जिला की प्रतिष्ठा और राज्य की प्रतिष्ठा, उसमें हम लोग और आगे बढ़ोतरी कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।